What's up everyone, welcome to new vlog। दोस्तों ट्रेन विद इरफान सीरीज का आज हमारा थर्ड डे है और आज का हमारा वर्कआउट है शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। शोल्डर हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी में जो सबसे अहम, अगर आप शर्ट पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, लड़का हो लड़की हो, हमारा पूरा स्ट्रक्चर जिस पर टिका हुआ है वो मसल है शोल्डर। अगर आपके शोल्डर वेल डेवलप्ड है तो आप कोई भी कपड़ा पहनोगे आप अच्छे दिखोगे। तो इसीलिए शोल्डर जो वर्कआउट है वो खास होना चाहिए, इंटेंस होना चाहिए। और हमें ओवरऑल शोल्डर को भी दोस्तों हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रंट, मिडल एंड रियर। तो हमें तीनों पार्ट पे वर्क करना है ताकि प्रॉपर 3D शोल्डर बन सके। थोड़ा तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शोल्डर में हमारा पहला एक्सरसाइज है स्टैंडिंग बारबेल ओवरहेड प्रेस। अगर आपको बैक पेन है तो आप इसे बैठकर भी कर सकते हो बेंच का सपोर्ट लेके, लेकिन अगर आपको बैक पेन नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप स्टैंडिंग करिए। इसका बेनिफिट यह है कि आपके शोल्डर, ओवरऑल शोल्डर तो डेवलप करेगा ही, साथ में आपके कोर मसल भी एक्टिवेट कर देगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ही हमारे कोर मसल एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे हमें दूसरी हैवी एक्सरसाइजेस में इंजरीज होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी स्टैंडिंग डंबल साइड लेटरल रेज। दोस्तों ये काफी मजेदार और काफी इंटेंस होने वाला है क्योंकि इसके मैंने 4 सेट दिए हैं और चारों सेट में रिपीटेशंस होंगे 30, 3-0, 4 सेट 30 काउंट ईच, रेस्ट ओनली 1 मिनट बिटवीन 2 सेट्स। यहाँ पर आप ज्यादा हैवी नहीं कर पाओगे, डजंट मैटर, क्योंकि हमें मसल को टेंशन के नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है। 4 सेट करना है, 30 रेप्स करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज है सीटेड डंबल प्रेस। यहाँ पर आपको बैठकर बेंच सपोर्ट लेकर प्रेस करना है। इसके हमारे 4 सेट होंगे, रिपीटेशंस होंगे 12-15 और जो रेस्ट होगा बिटवीन 2 सेट वो ओनली 30 सेकेंड। दोस्तों शोल्डर की ये एक्सरसाइजेस में सबसे जरूरी बात यह है कि एवरी सेट के बाद आपको पोजिंग करना है, शोल्डर का फ्लेक्स करना है और उसे होल्ड करके रखना है। जितना आप ज्यादा होल्ड करोगे आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन स्ट्रांग होगा और वेस्कुलरिटी आपकी ज्यादा आएगी। शोल्डर में फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी स्टैंडिंग वाइड ग्रिप अपराइट रो और इसके हमें 5 सेट करने हैं, रिपीटेशंस होंगे आपके 12-15 के बीच और 2 सेट्स के बीच में आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है। इसमें फोकस ये करना है कि जरूरी नहीं है कि तुम पूरा हाथ ऊपर लो, ऑलराइट। वाइड ग्रिप में क्या होगा, अगर तुमने हाफ भी इसको एल्बो को लिफ्ट किया तो तुम्हारा जो जो बीच का मिडल डेल्टॉइड हम कहते हैं वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा शोल्डर एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होता है और अब हम शुरू करेंगे ट्राइसेप्स, जिसमें हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है ईजेड बार पे स्कल क्रशर, जिसके हम 4 सेट करेंगे, रिपीटेशन रेंज होंगे 12-15 और 2 सेट के बीच में आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है। ट्राइसेप्स में सेकेंड एक्सरसाइज है हमारा पैरेलल बार डिप्स। अगर आप एक सेट में 12-15 इजीली कर सकते हो तो आप उसमें वेट भी ऐड कर सकते हो, या फिर हो सकता है बिगिनर लेवल पे हो और आपसे पैरेलल डिप्स नहीं हो पा रही है तो आप बेंच पे भी डिप्स लगा सकते हो जो थोड़ा बेसिक लेवल का है। और लास्ट एंड थर्ड एक्सरसाइज हमारी ट्राइसेप्स में है डंबल पुल ओवर ट्राइसेप एक्सटेंशन। दोस्तों ये एक्सरसाइज मेरी फेवरेट है, जनरली हम पुल ओवर बैक एंड चेस्ट डे के दिन करते हैं लेकिन यहाँ पर हम ट्राइसेप्स में करेंगे, लेकिन वो पुल ओवर में और इस पुल ओवर में फर्क है। यहाँ पर हमें पूरा फोकस ट्राइसेप्स पर करना है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि ट्राइसेप्स को पूरा स्ट्रेच करना है, ध्यान ऊपर लाकर स्क्वीज, ऑलराइट, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। तो प्रॉपर स्ट्रेच एंड प्रॉपर स्क्वीज करोगे तभी ट्राइसेप्स मसल पूरी तरह से डेवलप होगा, उसका लॉन्ग हेड जो है वो डेवलप होगा। ये एक्सरसाइज खास लॉन्ग हेड ट्राइसेप शेप के लिए है जो काफी अच्छा इंप्रूव होता है। तो ऑलराइट गाइस, तो वर्कआउट फिनिश, पंप आपने देख ही लिया है, लास्ट में हालत खराब हो गई है, अभी एप्स करना है। एप्स की बिल्कुल ताकत बची नहीं है लेकिन एप्स करेंगे और फिर 30 मिनट कार्डियो। चलिए
फिनिश। तो इसी के साथ हमारा थर्ड डे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों ने डे वन और डे टू नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए और ये एक्सरसाइज को फॉलो करिए। मुझे कमेंट करके बताइए एक्सरसाइज कैसा था, क्या पंप आया है, और कोई डिफिकल्टीज आती है तो कमेंट करके बताइए, हम सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। जल्द ही मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।